गाइज यहाँ से देखिए हमारी माता रानी का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, देवस्थान पे। यहाँ पे हमारे भगवान देवनारायण जी, ये देवनारायण जी महाराज है, उनका मंदिर बनने वाला है, उनका मेन मंदिर देवमाली देवधाम। देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक में आता है, और देवमाली में तो इनका मेन स्थान है देव जी का। और ये देखिए हमारी माता रानी का मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। सेम ऐसा कैसा ही मंदिर ऐसा यहाँ पे भी बनेगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर देवनारायण जी का मंदिर बनने वाला है, फिलहाल थोड़ा काम रुका हुआ है यहाँ पे। और देखिए गांव का व्यू, यहाँ से आप गांव का व्यू पॉइंट अच्छे से देख सकते हैं, हमारा गांव का। और यहाँ देखिए कितनी ऊंचाई पे ये मंदिर भी बनने वाला है, तो कितना अच्छा व्यू बनेगा यहाँ से। यहाँ पे एक सनशाइन पॉइंट होना चाहिए। और देखिए ये हमारा ये बड़ा वाला तालाब है, इस बार बारिश कम हुई तो ये तालाब भरा नहीं फिलहाल। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमारे गांव का आपको देखने को मिलेगा, बारिश नहीं हुई और बारिश जैसा मौसम हो रहा है फिलहाल। ये देखिए आज तो धूप भी नहीं है फिलहाल। गाइस यहां से कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा होगा आपको, देखिए पीछे का चारों तरफ आपको थोड़ा घूम घूम के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हमारी माता रानी का मंदिर, माता रानी तो माता रानी है, हमारे दिल में रहती है हमेशा, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से देखिए। और गाइज यहाँ से देखिए कितना शानदार व्यू बनता है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए ये आपको सामने माइंस दिख रही होगी कितनी, यहाँ पे देखिए एक माइंस, यहाँ पे चार पांच माइंस तो यहीं पे है, और इस तरफ भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे इस तरफ, ये देखिए आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ और भी, वो देखिए आप खुद दिख रही होगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा माइंस से हमारे गांव में है, और गांव के पास वाले गांव में भी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से बनता है। देखिए तो गाइस देखिए हमारे गांव से कितना शानदार व्यू बनता है, काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ से लोकेशन आप शूट कर सकते हैं। कभी बॉलीवुड में मूवी आई तो यहाँ से आप शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताएं आपको। बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने, बहुत बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। तो गाइज आज काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, और फिलहाल मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा है। इस बार सर्दी सर्दी में ऐसे ही रहने वाला है, चार पाँच दिन धूप निकलेगी और चार पाँच दिन ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए बाल भी किधर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है फिलहाल। तो गाइज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।